नमस्कार। आज के 5 मिनट वीडियो में हम फॉलो अप लेंगे कॉटन सीड ऑयल केक का। देखिए, पहले अगर इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो हमने यहाँ पे कहा था कि मार्केट में एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है, जो एंड ऑफ नेगेटिव क्रॉस ओवर की बात कर रहे थे। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि हमने 1 अगस्त से ही मार्केट में जो पहले जो मंदी आ रही थी वो खत्म होते हुए देखा, और हमने 1 अगस्त से मार्केट में अच्छी खासी तेजी देख ली। लगभग अगर मैं 1 अगस्त से अभी तक की अगर बात करूँ, मात्र 10 दिन के अंदर अंदर प्राइसेस के अंदर 2275 से ऑलमोस्ट कल हमने हाई देखा था 2625 का, तो ये लेवल के अंदर अगर जाता है तो आप देख सकते हैं मात्र 15% की तेजी हमने प्राइसेस में पहले ही बनते हुए देख चुकी है। तो जैसे ही हमने कहा मार्केट में तेजी है, हार्मोनिक पैटर्न, ये देखिए, ये जो हार्मोनिक पैटर्न बना है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम एक इंपॉर्टेंट सीरीज शनिवार को लेके भी आ रहे हैं, तो आप इसके ऊपर जरूर ध्यान रखिए, बिकॉज यहाँ पे हमको इन एडवांस पता चल जाता है कि मार्केट में सिनेरियो क्या बनने वाला है। तो टेक्निकल इंडिकेटर समझने के लिए, हार्मोनिक पैटर्न समझने के लिए शनिवार को जरूर ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक दी गई है। तो हार्मोनिक पैटर्न से हमें पता चल गया मार्केट में यहाँ रिवर्सल आएगा, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कंटिन्यू है, हाई वॉलिटी हमें चौपी इंडिकेटर से पता चल गया था कि मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट होने वाला। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये काफी डेडली कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कॉम्बिनेशन से हमें पता चला मार्केट में तेजी बनेगी, और हमने एग्जैक्टली जो उम्मीद की थी, ये देखिए, ये लाइन हमने ड्रॉ किया था कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि बेयर मिनिमम प्राइजेस 2580 का लेवल, या वर्स्ट इन केस हम बोल रहे थे कि 2630 का लेवल दिख सकता है। क्यों? क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज है, और कल के सेशन में हमने ये लेवल छू चुके हैं। नो डाउट यहाँ पे 2-3 चीज आपको देखने की जरूरत है। तो पहले तो मैकडी जो इंडिकेटर था वो पॉजिटिव अभी भी है, चौपी इंडिकेटर बता रहा है अभी भी मार्केट में मोमेंटम तो रहेगा। अब हम आ जाते हैं करंट चार्ट के ऊपर। तो करंट चार्ट पे देखिए, हार्मोनिक पैटर्न की जो टारगेट्स थी वो हमने इजीली अचीवेबल होते हुए देखा, और 200 मूविंग एवरेज का लेवल छू चुका है। अब आगे क्या? तो आगे हमारा जैसे यहाँ पे चार्ट बना हुआ था उसके अनुसार अगर देखा जाए तो मुझे लगता है मार्केट में एक गिरावट बननी चाहिए, जो कम से कम आप एक पुल बैक पॉसिबल है। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ 200 का नीचे आएगा, मैं लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी में हूँ, जो 2800 का लेवल या उसके ऊपर भी जाने की तैयारी कर रहा है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि एक करेक्शन ड्यू जरूर बनता है, क्योंकि फिजिकल में उतना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होना है, या इनफैक्ट ये हफ्ता इंपॉर्टेंट होना है। अगर 2650 2680 का जो ये लेवल है, अगर ये लेवल ब्रीच नहीं हुआ तो हाई पॉसिबिलिटी के हम एक बार प्राइजेस में, तो मैं यहाँ पे 2680 का एक रेजिस्टेंट जोन क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पॉइंट नंबर बी जो था वो 2680 का ही लेवल था। तो 2680 पे हमने एक रेड जोन क्रिएट कर दिया है, अनलेस एंड अंटिल प्राइजेस इसको तोड़ के वीकली बेस पे क्लोज नहीं देता है, हाई पॉसिबिलिटी के हम ये जोन में जाकर एक गिरावट देखेंगे पहले। क्योंकि देखिए, प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के अंदर है, और जब भी इचिमिको क्लाउड के अंदर कोई भी चीज होती है तो हाई चांसेस है कि हम रिवर्सल देखें या कुछ। तो नई तेजी के लिए 2680 का लेवल टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ब्रिज नहीं होगा, मार्केट एक बार पुल बैक करेगा और फिर ये तेजी करेगा, जो ऊपर में आप मान के चलिए 2800 का लेवल भी तोड़ देगा। बट टाइमिंग हमें लगता है कि मार्केट एक लेवल जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो लेवल पे पहुंच चुका है, यहाँ से एक करेक्शन ड्यू है। मैं ये नहीं बोलता हूँ आपको शॉर्ट करना चाहिए, बट हाँ, जो भी पोजीशन आपने 2300 पे बनाया है ये वीडियो देखकर, तो यहाँ पे आपको 50% से ज्यादा का प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। एक बार पुलबैक पॉसिबल है, जो 2400-2450 की रेंज में अगर मिलेगा, उस रेंज में फिर हम वापस ऐड करेंगे। मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखिए, हमें ऐड करना है। बट ऐड कब करना है? जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो ऐड करना है। तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, 2450-2500 के नीचे एटलीस्ट वहां पे लेके चलेंगे। और मुझे लगता है 15-20 दिन लगेगा मार्केट के अंदर कि लोअर साइड पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर नई रैली करेगा। नई रैली के लिए महीना डेढ़ महीना है, बिकॉज सितंबर की अगर सीजनलिटी की बात करते हैं तो हमेशा सितंबर में मार्केट गिरावट लेता है। तो आई थिंक मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे जा रहा है, इसलिए संभल के ट्रेड करना। एक प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है कॉटन सीड ऑयल केक में। कॉटन कॉम्प्लेक्स के लिए हमने एक कम्युनिटी भी बनाई है, लिंक नीचे वीडियो के नीचे दिए गई है, प्लीज उसको रजिस्टर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे अपडेट कॉटन मार्केट के आते रहेंगे। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचते रहे टाइमली। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कम्युनिटी को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमें कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो